तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो एंगल दिए हैं, वन एंगल ए इक्वल टू 9 tan inverse √2 - 1 एंड अनदर वन इज बी इक्वल टू 3 sin inverse 1/3 + sin inverse 3/5 एंड हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड रिलेशन फाइंड आउट करना है कि विच वन इज ग्रेटर। सो tan थीटा इक्वल टू √2 - 1 ये बहुत ही फेमस एंगल है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाट इज tan थीटा, सो tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, ये तो हो जाएगा tan theta। सो अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज tan 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 - cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री, 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, सो दिस इज √2 - 1। सो tan 22.5 का वैल्यू कितना होता है, √2 - 1। व्हाट इज ए, ए इक्वल टू 9 times π/8 आई थिंक किया, देन ए का वैल्यू है 9π/8। मूविंग फॉरवर्ड बी इज 3 sin inverse 1/3 + sin inverse 3/5। अगर आप ध्यान से देखो देन sin inverse x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे होता है sin inverse x, ठीक है, देन 1/2 is greater than 1/3, that's pretty obvious, then sin inverse 1/2 is greater than sin inverse 1/3, because एक inequality में आप increasing function introduce करते हो, then inequality change नहीं होता है, sin inverse 1/2 is π/6, it is greater than sin inverse 1/3, हमें चाहिए 3 times, then 3 times sin inverse 1/3 is less than π/2, ना अभी अपने पास क्या है, जो सेकेंड एंगल, एंगल बी का फर्स्ट पार्ट है ना, द फर्स्ट पार्ट इज लेस देन π/2, ओके, दिस पार्ट, दिस वन इज लेस देन π/2, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, बिकॉज दिस इज साइन इनवर्स, इसका वैल्यू भी π/2 से तो कम ही होगा, π/2 होता कब, देन जब 3/5 का वैल्यू 1 होता, बट 3/5 इज नॉट 1, सो क्या हम क्लेम कर सकते हैं ए is less than π/2 + π/2, a is less than pi, a is less than pi, whereas b equal to 9π/8 जो कि pi से greater है, तो क्या हम claim कर सकते हैं, hence b is greater than a, b is greater than, oh sorry not b, a is greater than b, well, I think हमने इधर switch कर दिया, या this was b not a, तो ये आपका होगा b इज लेस देन पाई एंड इसका वैल्यू a है, a इज ग्रेटर देन पाई, सो a इज ग्रेटर देन b इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।